ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू 2019 मारुति सुजुकी एस्प्रेसो का एलेक्साई वेरिएंट। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे, सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने इसका जो टॉप मॉडल है और VXI ऑटोमेटिक मॉडल है वो भी रिव्यू कर रखा है, अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हमेशा की तरह साथ में कंपनी का लिंक भी है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो टेस्ट ड्राइव बुक करने के लिए घर बैठकर। कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो पोस्ट कर दीजिएगा, कमेंट्स में उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश होगी। फ्रंट प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो अच्छे से आप पूरा इसका फ्रंट प्रीव्यू ले सकते हो। एक छोटी SUV सी लगती है जब आप इसको देखते हैं, और वो क्यों लगती है वो तो मैं आपसे पहले के वीडियोज़ में बात कर चुका हूँ। बहुत ही बढ़िया सा फील आता है जब आप इसकी फ्रंट प्रोफाइल को देखते हैं। पास में आ गए गाड़ी के तो कम्प्लीटली अब आपको इसका पूरा जो क्लोज़ व्यू है मैं दिखाऊँगा। पहले मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूँ, एजेस का भी आपको आइडिया लगेगा। हेडलैम्प्स आप चेक कर लीजिए, नॉर्मल कन्वेंशनल हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं लेकिन ब्रॉड ज़रूर दिया गया है, तो जो बोल सकते हैं कि रोशनी आती है ना रात के टाइम पे वो काफ़ी बढ़िया सी मिलनी चाहिए। अब काफ़ी समय से मार्केट में गाड़ी आ रही है, जो लोग भी इसको चला रहे हैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा कि आपको विजिबिलिटी कैसी मिलती है नाइट के टाइम पर। बाकी बम्पर एरिया आप अगर चेक करते हो तो काफ़ी ब्रॉड बम्पर आपको देखने को मिलता है। आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सुजुकी की ब्रांडिंग आपको दी गई है क्रोम के ऊपर, और बाकी पूरी आपको ब्लैक एंड फिनिश ही देखने को मिलती है। अलग से आप चाहते हो तो इसमें एक्सेसरीज लगवा सकते हो, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसका एक एक्सेसरीज़ का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाने की कोशिश करूँगा। फ्रंट की मैंने आपसे अच्छे से बात कर ली है, थोड़ा मैं फ्रंट से और आपको दिखा देता हूँ। कैमरा थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ तो फ्रंट का आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा। पूरा बढ़िया से आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हो। अब इसकी की चेक करा देते हैं आपको, तो नॉर्मल कीज़ आपको दी गई हैं दोनों, ये आप देख सकते हो। आपको रिमोट वगैरह अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल कीज़ आपको प्रोवाइड करी गई हैं। बात करेंगे गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, साइड प्रोफाइल आपको चेक कराएंगे। साइड प्रोफाइल आप चेक कर लीजिए, टॉल बॉय डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है, इसीलिए इसकी अंदर की जो स्पेस है ना वो एक नंबर की आपको मिलेगी। अभी अंदर चल के वो भी आपको शो करेंगे। साइड का बॉडी प्रीव्यू आपको मिल गया होगा। व्हील एरिया चेक कर लीजिए, नॉर्मल व्हील्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं। C8 के टायर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकेशंस आपको साइड्स में दिख रही होंगी तो फॉरवर्ड वगैरह मत करिएगा। इंडिकेटर इंसर्ट आपको साइड बॉडी में इनकलकेटेड मिलता है। अपने ORVM आप चेक कर लो, नॉर्मल ब्लैक फिनिश पे ही आपको ORVM अवेलेबल है, कोई भी इसमें आपको बॉडी कलर वगैरह अवेलेबल नहीं है। मैनुअल ORVM आपको देखने को मिल रहे हैं। चलते जाते हैं पीछे की तरफ और बैक पूरा आप देखते जाइए इसका, अच्छे से आपको पूरा बैक प्रोफाइल का आइडिया लगेगा। आपका फ्यूल इनटेक एरिया हो गया, साइड प्लस ब्लैक प्रोफाइल आप देख रहे हो, बैक प्रोफाइल आप देख रहे हो। अब इसकी रूफ़ भी चेक करा देते हैं आपको, पैटर्न फिनिश आपको देखने को मिलती है इसकी रूफ में। बैक प्रोफाइल कम्प्लीटली वन फ्रेम व्यू आपको दे देता हूँ मैं। चलते हैं पास में, आपका हाई स्टॉप लैंप हो गया, डिफॉगर नहीं है, रियर वाइपर नहीं है। सुजुकी की ब्रांडिंग, SSO की ब्रांडिंग आपको दी गई है क्रोम के ऊपर। आपके पार्किंग सेंसर्स हो गए जो अब गवर्नमेंट नॉर्म है, वो तो आपको हर कंपनी हर मॉडल हर गाड़ी में देखने को मिलेगा। टेल लैंप चेक कर लीजिए, फील आपको फ्रंट हेडलैम्प जैसे ही आएगा, जो डिज़ाइन एक तरीके से आप बोल सकते हैं काफ़ी बढ़िया सी पूरी डिज़ाइन देखने को मिलती है। फ्लैट फील पे फ्रंट और बैक आपके जो लैंप्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब इसका जो टेल गेट है वो ओपन कर लेते हैं और अंदर की स्पेसेस आपको दिखा देते हैं, तो की इंसर्ट कर लेते हैं। पार्सल ट्रे वगैरह आपको अवेलेबल नहीं है जैसे आप देख सकते हो, काफ़ी ब्रॉड आपको पूरी इधर जो स्पेस है वो देखने को मिलती है और डीप भी है। सबसे अच्छी बात ये है, देख सकते हैं आप कितनी डीप स्पेसेस आपको अवेलेबल हैं इधर, पूरा आराम से बढ़िया से आप देख लो। अब मेरा बैग वगैरह पड़ा हुआ है अपना, आप जैसे उसको चाहते हो वैसे यूज़ कर सकते हो। अगर बूट स्पेस अच्छी मिलती है तो कस्टमर बहुत खुश हो जाता है, और वो कंपनी ने इधर प्रोवाइड कर भी दी है। बाकी आप लोग अपने व्यूज़ बताइएगा। अब दोस्तों इसका जो ड्राइवर साइड है वो आपको दिखा देते हो, ड्राइवर साइड का कंप्लीट व्यू आप ले सकते हो, ड्राइवर साइड का भी आपको आइडिया लगेगा। फिर चलेंगे गाड़ी के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो बाहर से काफ़ी बात कर ली मेरे हिसाब से, अब गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आपको दिखाने का समय आ गया है। खोल लेते हैं ड्राइवर साइड डोर, पहले आप बाहर से पूरा व्यू ले लीजिए, अच्छे से आपको पूरे इसके डैशबोर्ड का आइडिया लगेगा, पूरा प्रीव्यू मिलेगा। ब्लैक एंड फिनिश आप देख सकते हो इधर। ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं तो डोर पॉकेट हो गई, बॉटल होल्डर हो गया, आपके जो विंडो ऑपरेशन आपको मैनुअली करना पड़ेगा। पूरी ब्लैक एंड फिनिश आपको देखने को मिलती है इधर, अच्छे से आप पूरा इसका प्रीव्यू ले सकते हो। सीट एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो केवल आपको बैक एडजस्ट प्रोवाइड करा गया है, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी जो सीट्स हैं वो आप देख लो, आपके जो हेडरेस्ट हैं ये आपको इनबिल्ट दिए गए हैं आपकी सीट बॉडी में ही, आपको अलग से ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलते हैं। बाहर से काफ़ी अच्छे से बात हो गई है, अब चलेंगे गाड़ी के अंदर, अंदर बैठ के आपको इसका जो इंटीरियर है वो दिखाएंगे, जो जो फीचर्स हैं स्पेसिफिकेशंस हैं। अभी तक आपको गाड़ी अच्छी लगी है दोस्तों तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दोस्तों ज़रूर प्रेस करिएगा। लेट्स गो इनसाइड द
कार। अब दोस्तों मैं एस्प्रेसो एलेक्साई के अंदर आ गया हूँ, अंदर से आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छे से आपको पूरा इसका मैं डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ। अभी एक्सटीरियर पूरा मैंने आपको बढ़िया से दिखा दिया, जो भी इसकी स्पेसिफिकेशंस रिलेट करती थी वो सारी मैंने आपको दिखा दी। इधर आप पूरा इसका डैशबोर्ड आराम से बढ़िया से अच्छे से देख सकते हो। अपर पार्ट की बात करते हो, डिज़ाइन के हिसाब से आपको स्लाइडिंग स्पेसेस दी गई हैं। थोड़ा बहुत आपका सामान वगैरह आप इधर रख सकते हो, छोटा मोटा पेपर वगैरह आपका आ जाने वाला है। अब आ जाते हैं इसकी स्टेयरिंग की तरफ। तो सामने आपका जो मीटर वगैरह वो आपको नहीं मिलता, इंस्ट्रूमेंट कंसोल वो सेंटर में दिया गया। अब इसके बारे में बात करेंगे, पहले टॉगल चेक कर लेते हैं। तो आपका ये हो गया वाइपर का टॉगल, इधर हो गया आपका इंडिकेटर और लाइट का टॉगल। इसके अलावा आपके एसी वेंट्स आपको राउंडेड शेप में दिए गए, साथ में आपको इधर पूरी डॉटेड और टेक्सचर्ड फिनिश देखने को मिलती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। एक नंबर का ये डिज़ाइन पूरा दिया गया है। आपके इसके बारे में क्या व्यूज है ज़रूर बताइएगा। स्टेयरिंग पे एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। तो इधर आपका हो गया सुजुकी का ब्रांडिंग, क्रोम पे अवेलेबल है, SRS एयरबैग, तो ड्राइवर एयरबैग आपको इस मॉडल में दिया गया है। LXI मॉडल है ये। इसके अलावा अगर चेक कर लेते हैं की इंसर्ट पॉइंट, तो ये आप देख लीजिए आपका की इंसर्ट पॉइंट हो गया। स्टार्ट स्टॉप बटन वगैरह अवेलेबल नहीं हो। इधर काफ़ी ड्राइवर साइड की अच्छे से बात कर ली है, आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी बता दी है। अब चलते हैं इसका मिडिल पोर्शन है, नीचे तक आपको दिखा देते हैं तो अच्छे से आपको मिडिल पोर्शन का आइडिया लगेगा। मिडिल पोर्शन आप इधर देख सकते हो, ये आपको एक तरीके से डोम शेप डिज़ाइन देखने को मिलती है। अभी तक आपने शायद मारुति की किसी भी गाड़ी में ऐसा डिजिटल मीटर नहीं देखा होगा। ये आपने पहले क्विड में देखा था, उसमें भी बहुत अच्छा लगता था, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था उसको। और अब आपको ये एस्प्रेसो में देखने को मिल रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। भाई डिजिटाइजेशन का ज़माना है तो हर चीज़ अब आपको डिजिटल देखने में अच्छी लगती है, और कंपनियां वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर भी रही हैं। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो ज़रूर लाइक बटन हिट कर देना है, और शेयर ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी कोई आपको इंसर्ट वगैरह इधर नहीं मिलते हैं, सिंपल फिनिश पे पूरा ब्लैक फिनिश पे ये आपको प्रोवाइड करा गया है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आप देखते हो आपका स्पीडो है, नॉर्मल सिग्नलिंग है। इसके अलावा आपका जो डिजिटल DIS है, आपका ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्यूल वगैरह देख लो, आपका डिस्टेंस ट्रैवल वगैरह, ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप ये प्रेस करके और भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। नीचे आ जाते हैं, आपका इंफोटेनमेंट वगैरह आपको इसमें अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, टच भी नहीं है। वो सब चाहिए टॉप मॉडल खरीदिए, नहीं तो आप बाहर से अपने हिसाब से कोई भी सिस्टम लगवा सकते हो। आजकल बहुत ही बढ़िया प्राइस में आपको अच्छे से अच्छा सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वाला, नेविगेशन वाला, जो लोग काफ़ी डिमांड करते हैं आज की डेट में। तो एक तरीके से ये अच्छा ही होता है कि सिस्टम नहीं दिया गया, आप पूरी तरह से फ्री हैं, जो भी सिस्टम आप चाहो लगवा सकते हो, चाहे तो आप शोरूम से लगवा सकते हो या तो आप बाहर से किसी भी एक्सेसरीज डीलर से लगवा सकते हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, सिस्टम आपको कंपनी प्रेफर करते हो आप कि आप बाहर से प्रेफर करते हो, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इधर आप देख रहे हो आपकी हज़ार लाइट की बटन हो गई, और नीचे आते हैं आपका एसी कंट्रोल एरिया हो गया, नॉर्मल एसी दिया गया है, ऑटोमेटिक एसी आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। बाकी और नीचे आ जाते हैं तो आपकी रगेड स्पेसेस हो गई, दो इधर आपके कप होल्डर्स हो गए, बढ़िया सी पूरा जो फिनिश है वो यूज़ करा गया है। पीछे आ जाते हैं, इसका गियर एरिया चेक कर लेते हैं, 5-speed गियर बॉक्स मॉडल है विद रिवर्स। और पीछे आते हैं, आपका हैंड ब्रेक हो गया, दिया गया आपको ब्लैक बटन, ब्लैक जो इसकी पुश बटन है उसके साथ, क्रोम वगैरह का यूसेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पीछे भी आपको इधर कुछ कन्वीनियंस स्पेसेस प्रोवाइड कर दी गई हैं। मिडिल पोर्शन या तो सेंटर कंसोल पूरा बढ़िया से मैंने आपको दिखा दिया है, समझा दिया है, डिज़ाइन के बारे में जो मेरा बोलना था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपको साइड्स में शॉर्ट्स में देखने को मिल गई होंगी। सिस्टम के बारे में मैं फिर से आपसे बोलना चाहूँगा कि आपकी जो भी थिंकिंग है प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। अब चलेंगे को ड्राइवर के साइड, और को ड्राइवर साइड आपको दिखाएंगे तो पहले आप इधर फिनिश देख लो, पूरी वही कैरी करी गई है जो मैंने आपको ड्राइवर साइड दिखाई थी। ओपन स्पेसेस हो गई, इसको ओपन कर लेते हैं तो आपका ग्लव बॉक्स हो गया, नॉर्मल ग्लव बॉक्स दिया गया है, ना तो ये लाइटेड है और ना तो ये कूल्ड है। आप अपना नॉर्मल इसमें अपना पेपर वर्क, बुक वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस पे है, जो आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। अब इसकी सीट भी दिखा देते हैं, लगे आता हूँ आपको, तो टेक्सचर्ड फिनिश पे आपको सीट देखने को मिलती है, डुअल फिनिश पे देखने को मिलती है, और काफ़ी ब्रॉड सीट्स दी गई हैं। अभी मैं ड्राइवर साइड बैठा हुआ हूँ तो कंफर्ट तो अच्छा सा मिल रहा है और बैक सपोर्ट भी बढ़िया सा है। बाकी जो लोग भी गाड़ी चला रहे हैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। चेक करेंगे वैनिटी मिरर के लिए, को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है, ड्राइवर साइड चेक कर लेते हैं तो ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। इधर आपका हो गया केबिन लैंप, नीचे हो गया आपका रियर व्यू मिरर। फ्रंट की आपसे काफ़ी बढ़िया से बात कर ली है, अब चलेंगे गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में और पीछे बैठकर आपसे बात करेंगे। पीछे चलने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आपको अगर किसी और कंपनी की किसी और गाड़ी का भी रिव्यू देखना है तो आप प्ले स्टॉप से ज़रूर विजिट करिए, वहां पे मैंने बहुत सारी गाड़ियां ऑलरेडी रिव्यू कर रखी हैं। आपको शायद आपकी फेवरेट गाड़ी जो आप लेना चाहते हो इसके अलावा वो आपको देखने को मिल जाए।
एसी विंड छूट गए थे दोस्तों पिछलने से पहले, तो आप वो देख लीजिए। तो डिजाइन आपको चेंज मिलेगी साइड एसी विंड से, जैसे वो राउंडेड दिए गए थे, ये आपके हल्के से ट्रायंगुलर शेप्स में है और काफी नैरो भी है लेकिन हाइटेड है, तो एयर आपको अच्छी खासी पूरे केबिन में मिलनी चाहिए। तो फिर से मैं बोलूंगा कि ये तो आप कस्टमर पर डिपेंड करता है जो रेगुलरली इसको यूज कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग भी इसके रेगुलर यूजर हैं और इस वीडियो पे आए हैं, प्लीज प्लीज अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, जिसमें कि जो लोग आगे लेना चाहते हैं उनको काफी बढ़िया से हेल्प हो जाएगी। अब चलते हैं गाड़ी की सेकंड रो ऑफ सीट में, लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। ये आप देख रहे हैं एस्प्रेसो एलेक्साई वेरिएंट का जो रियर सीटिंग है या सेकंड रो ऑफ सीट है, तो आपके जो हेडरेस्ट हैं ये आपको इनबिल्ट दिए गए हैं आपकी सीट में, ये आपके एडजस्टेबल नहीं है जैसे आगे के हैं। इसके अलावा आपका इधर कोई आपको आर्मरेस्ट वगैरह, सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह भी नहीं दिया गया, ना तो कोई कप होल्डर वगैरह दिए गए हैं। इसके अलावा आपकी जो सीट बेल्ट है वो आप चेक कर सकते हो। अब चलेंगे पहले स्प्लिट देख लेते हैं, तो कोई आपको 60-40 स्प्लिट देखने को नहीं मिलता है, इधर नॉर्मल पूरी प्लेन सीटिंग प्रोवाइड करी गई है। बाहर से काफ़ी बात हो गई है, पहले आपको रियर डोर दिखा देते हैं अंदर चलने के पहले। तो डोर पॉकेट्स हटा दी गई हैं, विंडो ऑपरेशन मैनुअल दिया गया है, पूरी ब्लैक फिनिश जैसे आपने फ्रंट में देखी थी वैसे इधर भी प्रोवाइड करी गई है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको अब अंदर से बैठ कर दिखा देते हैं। तो लेग स्पेस आप चेक कर लो इधर, इसके अलावा आप आगे की स्पेस देख लो और अब आप इधर की स्पेस देख लो, आप खुद जज कर सकते हो अभी इतनी इतनी स्पेस खाली है। थाई सपोर्ट आप चेक कर सकते हैं इधर, मेरी हाइट 6 फीट है, जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होगी, जो लोग नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपके हो गए ग्रैब हैंडल्स, ये आपके तीनों डोर्स पे दिए गए हैं, ड्राइवर साइड की ज़रूरत नहीं होती है। अब चलेंगे इसका जो डैशबोर्ड है, वीडियो ख़त्म करते समय हमेशा मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ हर गाड़ी का, तो वो मैं इधर भी आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। आप पूरा नीचे तक इसका व्यू ले लीजिए, वन फ्रेम व्यू मिल जाता है इससे। अब दोस्तों आपको बताना है कि आपको एलेक्साई वेरिएंट का डैशबोर्ड कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या कमी लगी इसमें, क्या आप इसमें इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, या एक्सेसरीज अगर आप लगवाते हो तो आप क्या लगवाओगे इस गाड़ी में इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए। और एक्सेसरी वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, तो आपको चॉइस करने में भी आसानी हो जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा, नीचे कमेंट्स में पोस्ट करके उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश होगी। अब दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, कुछ अगर आपकी स्पेशल डिमांड है तो वो भी कमेंट्स में डाल दीजिएगा, उसको भी जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है इस गाड़ी की, सारे फीचर स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ में आपको और भी इसके वेरिएंट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगे हुए हैं, तो वो भी जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।